मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के 60 साल यानी 21,900 दिनों के दौरान देश भर में भागलपुर, बिहार शरीफ सहित करीब 3,000 दंगे हुए। कश्मीर में 50,000 लोग मारे गए। कश्मीरी पंडित पर अत्याचार हुए। पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज के लाखों परिवार रिजर्वेशन से वंचित रहे। आपातकाल के दौरान 19 महीनों यानी 570 दिनों तक आलोचना करने वाले नेताओं, छात्रों, पत्रकारों का दमन किया गया। साथ ही कहा कि कांग्रेस के राज में असम, बंगाल, बिहार के रास्ते करोड़ों लोगों की घुसपैठ कराकर भारतीय नागरिकों की हकमारी की गई। समाजवाद का दिखावा करने के लिए अर्थव्यवस्था पर घाटे से चलने वाले अनेक सरकारी उपक्रमों पर बोझ डाला गया। इंस्पेक्टर राज चलाकर व्यापारियों के पैरों में बेड़े डाली गई। शाहबानो जैसी लाखों बेबस शराबशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने के हक से वंचित किया गया। सुशील कुमार मोदी सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि 1962 में चीन से हार के गहरे जख्म दिए गए। 1971 में 90,000 पाकिस्तानी फौजियों का समर्पण कराने वाली विजय के बावजूद पाकिस्तानी कब्जे वाला कश्मीर वापस लेने का कूटनीतिक साहस नहीं दिखाया गया। न्यूज़ डेस्क।